इंदौर के बाणगंगा में नाबालिग बदमाशों ने एक पूल क्लब में तोड़फोड़ की। वहीं बाहर निकलने पर इलाके के लोगों को धमकाया और कई गाड़ियों में नुकसान कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी में बदमाशों के कैद होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले जतिन पुत्र जानकीलाल कश्यप निवासी वृंदावन कॉलोनी ने बताया कि उसका मेन रोड पर पूल क्लब और कैफे है। यहां पर आयुष, आशीष और उसका साथी सूरज पहुंचा, तीनों सोफे पर आकर लेट गए। इसके बाद जतिन ने उन्हें टोका तो मारपीट करने लगे और क्लब में रखा पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया और बाहर आकर क्लब के अंदर पत्थर फेंकने लगे। जब रहवासी उन्हें देखने के लिए बाहर आए तो आरोपियों ने सड़क पर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और बाहर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। रहवासियों के इकट्ठा होने पर पुलिस वहां पहुंची और काफी संख्या में स्थानीय नेता और रहवासी वहां इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना के बाद टीआई राजेंद्र सोनी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। वहीं रहवासियों से पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने वहां फोर्स भी तैनात करने की बात कही। देखिए, एक सूरज गौड़ नाम का लड़का है, उसका एक साथी आयुष, तो इनका पहले झगड़ा हुआ कब्रिस्तान सामने पूल पे कश्यप से। तो पहले जतिन कश्यप से झगड़ा हुआ तो उसमें मारपीट हुई उनकी, और थोड़ी देर बाद में फिर उसमें एक अमन लड़का है नाम का, एक अमन और गांधी, आशीष और गांधी और 40, ये फिर तीन लड़के और आए। ऐसे कुल मिला के 4-5 लोगों ने फिर दोबारा एक झगड़ा किया, और फिर वहाँ पे झगड़ा करने के बाद में फिर दौड़ के वहाँ से आए तो इस कॉलोनी में आए। तो इस कॉलोनी में एक बच्चे को 3-4 चांटे मारे, छुपने की कोशिश करी, लोग पीछे कर रहे थे तो छुपने की कोशिश करी, तो उसमें एक दो लोगों को यहाँ पे भी चांटे वाटे मारे हैं। और हमारे 20-25 जवान पुलिस के उनकी सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि रात में उनको, यदि गाड़ी वाड़ी फोड़ी है क्या? हाँ, तो गाड़ी फोड़ी तो यार आप अभी नोट करवा देना उनको, तो हमारे FIR हुई तो हम उसमें डाल देंगे, ठीक है? कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ करी, ऐसा बता रहे हैं ये लोग, अब देख लेते हैं क्या तोड़फोड़ करी, क्या बेसिकली तोड़फोड़ क्या पटकी गाड़ी उन्होंने। तो पुलिस रात में प्रयास करेगी कि रात में उनको जल्द से जल्द पकड़े, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुकदमे, हमने एक मुकदमा कायम किया, अभी एक दूसरा मुकदमा भी मैं जाके और कायम करूँगा। ये आदत नहीं, बाल अपचारी हैं ये सब। सभी अमन, चिकना, आशीष और गांधी और सूरज, तो मुझे चेहरे से तो मुझे उम्र लग रहा है कि बालिग है। बाकी वो जो तीन हैं वो तो बाल अपचारी हैं, उनके खिलाफ 5-5, 6-6 अपराध हैं, और अक्सर ऐसी वारदात वो करते रहते हैं। मलारगंज थाना क्षेत्र में भी 3-4 अपराध हैं उनके, और थाना बाणगंगा में भी 21-22 में मिला के कम से कम 5 अपराध हैं उनके खिलाफ। वो तीनों चारों एक साथ रहते हैं, एक साथ ही काम करते हैं, और हमने उनको बहुत संगीन अपराधों में गिरफ्तार करके भेजा है, लेकिन वो बाल अपचारी होने के कारण उनको लाभ मिल जाता है। अभी भी कोशिश करेंगे कि सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई।